नमस्कार दोस्तों, द फैमिली टूर चैनल में आपका स्वागत है। और हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये एंका का गीजर है, काउंटर का, और इसमें पाइप के कनेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर पॉइंट ना दिए हो तो आप कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें ये ठंडे पानी का नल है और इसके ऊपर ये शावर है। ये शावर का कनेक्शन पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, तो यहाँ पे शावर था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये शावर को मैंने निकाल दिया। शावर निकालने के बाद मेरे को लगा है एक एंगल वॉल में यहाँ लगा है, और एक एंगल वॉल, दो आपको एंगल वॉल लेने हैं पड़ेंगे। और ये जो इनलेट, ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, ये कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो कंपनी के साथ आपको गीजर और ये इनलेट आउटलेट पाइप मिलेगा। इसके बाद कनेक्शन की बात करें तो आपको क्या करना है, ये जो गीजर वाला, ये शावर वाला जो पॉइंट है, इसको आपको यहाँ से निकलवा देना है। और यहाँ पे एंगल वॉल लग गई, जिसका ये इनलेट कनेक्शन है, इसको आपके गीजर के इनलेट से कनेक्ट कर देना है, जो कि देख सकते हैं इनलेट में क्या है। इसके बाद जो आउटलेट है, आउटलेट देने के लिए फिर एक एंगल वॉल लगी। एंगल वॉल देने के साथ आपको एक ये ब्रास का एल्बो है, एक ब्रास एल्बो में इसको फिटिंग कर दिया गया है टेफ्लॉन लगा के। इसके बाद ये जो होल्डर है, इसके होल्डर को आपको लगाना है पीवीसी, यहाँ पे बेंड है। इसके लिए ये एक एल्बो लगा है 90 डिग्री का, और ये पाइप गर्म पानी की नीचे चली आपकी सुप्रीम की, और यहाँ पे आपको एक टैप लगा देना है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये गर्म पानी का हो गया, ये ठंडे पानी का हो गया। तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपके पास पाइप नहीं दिए हैं तो आप शावर पे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।